हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज बनाते हैं वट सावित्री व्रत के लिए बहुत ही हेल्दी सा एक रेसिपी जो हम लोग खाते हैं, उड़िया लोगों हम लोग ऐसी बना के खाते हैं आज का दिन में, तो उसी को ही आपको आज दिखाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं मूंग दाल और सागु चकोटा, तो इसी को ही आज बना के दिखाएंगे। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबाइएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे अब तक तुरंत पहुंच जाएगा। चलिए गाइस देख लेते हैं आज का रेसिपी। तो यहाँ पर ही देखिए, हम मूँग दाल आधा कप ले लिए हैं और आधा कप साबूदाना को ले लिए हैं। यहाँ पर ही हम छोटा साइज का साबूदाना लिए, आप चाहें तो बड़ा साइज का ले सकते हैं क्योंकि हम आज सवेरे ही इसको भिगाए हैं, तो इसीलिए हम छोटा दाना ही लिए हैं। नहा हुआ के पूजा पाठ करने के बाद ही ये सब हम कर रहे हैं। इधर देखिए, यहाँ पर ही हम सारे फल को ले लिए हैं जो पूजा किए थे, तो वही फल से ही आज हम बनाएंगे कि ताकि कटा हुआ फल जो है वो वेस्टेज ना हो और हम लोगों का व्रतहारी लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी एक रेसिपी बन जाए, तो इसी को ही आज हम बनाएंगे। यहाँ पर ही देखिए, हम भिगोए हुए मूंग दाल और साबूदाना को ले लिए हैं। आम सब को हम चम्मच के सहायता से पूरा निकाल ले रहे हैं, उसका पल्प सब को। उसका साथ में हम देखिए अनारदाना को भी ले लिए हैं और केला भी ले लेंगे हम। आपको जो भी फल पसंद है वो फल से आप ये कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ अनारदाना, केला, आम और नारियल से ही इसको बनाएंगे। आप चाहें तो अंगूर, एप्पल सब कुछ दे सकते हैं। जितना भी हम फल दिखाए हैं सब फल को आप डाल के भी ये वाला बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर ही आधा नारियल को ग्रेट कर लिए थे, उसी को ही डाल दे रहे हैं इसमें। और ऊपर से मिश्री को पाउडर करके रखे थे उसको डाल दिए और थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक डाल दिए हैं इसमें। और इसको अच्छा से अब मिलाएंगे। आप चाहें तो गुड़ या चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन मिश्री पेट के लिए ठंडा होता है तो इसीलिए हम मिश्री यहाँ पर यूज़ किए हैं। अब हम हाथों की सहायता से इसको अच्छा से चोखा जैसी हम लोग इसको मिला लेंगे अच्छा से, कोई भी चंक्स ना रहे केला का और आम का, तो उस तरह से हम लोग मिलाएंगे अच्छा से। आप इसको ज़रूर से बना के खाइएगा, इस पेट बहुत ठंडा रहता है और भूख भी कम लगता है और हेल्दी भी है। तो हम लोग सब ऐसी ही बना के खाते हैं। कोई खाली मुख से बनाता है, कोई सिर्फ साबूदाना से बनाता है, लेकिन आज हम मूंग दाल और साबूदाना दोनों को मिला के बना रहे हैं। हम पहले भी एक पोस्ट किए थे अगले साल, तो साबूदाना का ही सिर्फ बनाए थे और मूंग दाल का सिर्फ बनाए थे, तो आज हम दोनों को मिला के बना रहे हैं। पूरा अच्छा से हम लोग हाथों की सहायता से इसको चोखा जैसी बना लिए हैं। अब हम ये प्लेटिंग करके दिखा रहे हैं आपको। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जितने भी नए दोस्त देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें अब तक तुरंत पहुंच जाए। कुछ हम गार्निशिंग के लिए अनारदाना बचा के रख दिए थे, उसको ऊपर से डाल दे रहे हैं बढ़िया दिखेगा बोल के। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ गाइस एंड जय जगन्नाथ।